क्या पाया गया सर जांच में? देखिए, उसमें रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर हमने जो है उस पर एक निर्णय लिया है। बाकी उसके बाद भी बाकी जो प्रोसीडिंग जो है दूसरे लोगों के खिलाफ जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो बाकी लोगों के खिलाफ भी सर अभी जांच में क्या कुछ निकला है? तो जांच की रिपोर्ट आई है, जांच में जो विजुअल जो हमारे सामने है उसके आधार पर जो कार्यवाही आगे होनी है वो प्रस्तावित है। सर, हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस का एक मामला आया है, क्या यह पहला ही मामला है या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वेव, क्योंकि जो डेल्टा प्लस है वो थर्ड वेव का वेरिएंट माना जाता है? अभी ये एक मामला हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस का पाया गया है और वो भी मई के महीने में सैंपल गया था, उसकी रिपोर्ट आई है। और भी कुछ सैंपल गए हैं हिमाचल से, अभी तक कुछ किस रिपोर्ट आई है जिसमें ये पाया गया है कि डेल्टा प्लस नहीं है, डेल्टा की कुछ नंबर आए थे। और ये जो लड़की है 20 साल की वो रिकवर हो गई है, उस तरह का कोई इस तरह का कोई विषय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने विभाग को कहा कि अब अलर्ट होने की आवश्यकता है, अगर इस प्रकार की कोई बात हमारे अगर ध्यान में आई है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है, सावधानी के साथ काम कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी इस तरह की स्थिति आने वाले समय में अगर आएगी, अगर थर्ड वेव का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी जो है पूर्ण रूप से बनी रहे। सर, पर्यटक बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो क्या इसको लेकर सर एक्स्ट्रा कोई प्रबंध किए जाएंगे जिस तरह से? सभी डिप्टी कमिश्नर सभी SP को इस बारे में इतला दे दी गई है, जानकारी क्या है तो उनको आदेश दे दिए गए हैं इस बारे में कि जो टूरिस्ट आए हैं वो पूरे जो हमारा कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका वो पालन करें, भीड़ जहां ज़्यादा हो रही है उसको रेगुलेट करें, हमारे पुलिस के कर्मचारी और लोकल जो वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित करे, अगर क्राउड ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर कांटेक्ट ज़्यादा बन रहा है लोगों का, तो सूरत में उसको रेगुलेट करें। और उसके अतिरिक्त दूसरी बात जो हमने कही है, जहाँ होटल्स में उनको रहना है, होटल्स में जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ पर SOP जो बनाया गया उसका पालन हो, चाहे वो होम स्टे हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो। नहीं, देखिए अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है, मैं कहना चाहूँगा कि अभी इस तरह की स्थिति पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। कोविड के मामलों में हम देख रहे हैं कि लगातार कमी आ रही है, लेकिन बहुत ग्रेजुअल आ रही है, जितने केस रिकवर हो रहे हैं लगभग उतने ही केस, थोड़ा ही फर्क उसमें देख रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको सावधान होकर के रहना है, ये आवश्यक है। सर, रसोई गैस के दाम जो है बढ़ गए हैं सर, और खाद्य तेल के भी, पेट्रोल डीजल के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं सर। देखिए, दाम बढ़ते भी रहते हैं और बीच बीच में उसमें जहां कम करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयत्न प्रयास होते हैं वो हमेशा जारी रहते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि काफ़ी हद तक महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के जो काम किया उसके सार्थक परिणाम रहे हैं। अब कुछ चीज़ों में जो पर्टिकुलर जो दो चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें थोड़ी अपेक्षित जो जिसको बढ़ोतरी जिसको बता रहे हम उससे ज़्यादा अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है उसमें रेट्स में, वो सारी चीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर उसके बाद ज़्यादा अगर कोई इस तरह की स्थिति आएगी तो उस पर विचार करेंगे क्या कर सकते हैं। सब्सिडी वगैरह देंगे सर या कोई अभी राहत? अभी फिलहाल हमने कहा कि थोड़ा वक्त इंतजार करें। उसके बाद कांग्रेस जनाक्रोश रैलियां निकाल रही है जिला स्तर पर भी और लगातार जो है वो घेरने की कोशिश की जा रही है, ऑनलाइन परीक्षाएं कराने और छात्रों को प्रमोट करने को लेकर। देखिए, मुझे सिर्फ कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना है कि वो जो भी करना चाहे वो करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें उनको करने का अधिकार है, लेकिन सही मायने में इस कोविड के इतने बड़े संकट में कांग्रेस कहाँ थी, कहीं भी दिखाई नहीं दी। बातें बहुत करते रहे, सिर्फ रस्मी बातें करते रहे, हमने इतना किया, हमने वो इतनी मदद की, दो गाड़ियों में कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सामग्री भेजी, हम तो उस सामग्री को ही पता कर रहे हैं कि वो सामग्री थी क्या जिसमें 2 गाड़ियों में छोटी गाड़ियों में 2 करोड़ रुपए की उसकी लागत बताई। तो इसलिए कांग्रेस पर कोई
देश में विश्वास करने वाला आदमी रहा नहीं, इसलिए जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार समर्पित भाव के साथ जो है जन सेवा में लगी हुई है और ये हमारा कार्य है, इसको हम करते रहे। थैंक यू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा, प्रस्तावित दौरा जो है वो उसमें कुछ तब्दीली हुई है। 4 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे बिलासपुर और बिलासपुर रुकेंगे। 5 तारीख को मनाली और मनाली के बाद अटल टनल रोहतांग का दौरा करने के बाद सिसु तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापिस आएंगे। वापिस आकर के कुल्लू में पार्टी के साथियों के साथ एक बैठक रखी है और उस बैठक में भी रहेंगे, उस कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। और उसके पश्चात उस दिन 5 तारीख का उनका स्टे कुल्लू का है रात का, और 6 तारीख सुबह 10 बजे वो दिल्ली के लिए। उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं उनके साथ? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, और स्वाभाविक रूप से सब तरह की चर्चा की जा सकती है। थैंक यू।